हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक होने वाला है कि आप गेट की जर्नी जब स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके साथ साथ आप कैसे फैकल्टी को चूज़ करते हैं। और हम मेरा मानना है कि आपको गेट की प्रिपरेशन के लिए ट्रस्टेड फैकल्टी चूज़ करनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक वीडियो से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें कि देखो, अगर आप गेट की प्रिपरेशन ले तो किसी कोचिंग में एडमिशन ले दो, ठीक है। एडमिशन लेने के साथ साथ वहाँ पे टीचर्स फैकल्टी किसी ना किसी को देख के तो आप जरूर जाते हो उस कोचिंग में कि हाँ भाई, इस टीचर से या इस पर्टिकुलर टीचर से मेरे को पढ़ना है, इसी से पढ़ाई करनी है, पूरा गेट का सिलेबस इन्हीं टीचर से कंप्लीट करना है। इस वजह से आप देख के उनको कोचिंग में एडमिशन लेते हो। तो अब देखो टॉपिक ये है कि सपोज़ आपने किसी टीचर को चूज़ किया, अब आपने सोचा है कि इसी से सारा कंप्लीट करूँगा, इसी के भरोसे आप उस पर्टिकुलर कोचिंग में गए, ठीक है। आपका पूरा जो भी है आप उस पर डिपेंडेंट हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है आजकल इंडस्ट्री में, ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री में, एडटेक में, ये होता है कि ज़रा सा भी थोड़ा इधर से उधर मामला होता है, टीचर क्या करता है, कोचिंग यहाँ से वहाँ चेंज कर देता है, इधर से उधर चला जाता है। अब उसमें नुकसान किसका होता है, नुकसान होता है आप लोगों का। हालांकि ठीक है, वो चेंज करता है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये मत समझना कि मैं किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहा हूँ। मैं एक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप एडमिशन लेते हो, आपने अच्छे खासे पैसे भरे हैं, आपने अच्छी खासी फीस दे रखी है उस पर्टिकुलर कोचिंग में, बट आपको पता चलता है बाद में कि जिसके लिए आपने वो फीस भरी है वो फैकल्टी अब उस कोचिंग में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसने कोचिंग स्विच कर लिया, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो चला जाता है, उस केस में आपका बहुत लॉस हो सकता है। कि सपोज़ आपको फिर टीचर भी बदलने पड़ेंगे, टीचर बदलने के साथ साथ फिर आप वही होता, फिर मन भी नहीं होता जिसको आप सोच के गए हो ना पढ़ने के लिए। अगर फिर वो फैकल्टी नहीं मिलता तो फिर आप पूरा साल गेट के लिए सोचते रहते हैं, यार पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद फिर फैकल्टी वो भी चेंज कर लिया, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना, एक दिमाग के फालतू का स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस वजह से देखो, फैकल्टी वही चूज़ करो जो थोड़ा ट्रस्टेड हो और कब से उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया हो। अगर उसने बोला है कि एक साल तक, सपोज़ इस साल तक मैं इस कोचिंग में रहूँगा और आपको पूरा पढ़ा के ही जाऊँगा, तो आप उस फैकल्टी को चूज़ करो अगर आप उसके लिए जा रहे हो, उसके जो सब्जेक्ट पढ़ाता है। और दूसरी चीज़, फैकल्टी वही चूज़ करो जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एटलीस्ट उसको जो पढ़ा रहा है वो गेट लेवल का पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। और दूसरी चीज़, जो पढ़ा रहा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तुम उस कोर्स को पढ़ के क्या गेट के PYQs कर पा रहे हो, क्या गेट के जो पिछले पेपर आए उनमें क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो ही आप उस कोर्स को पढ़ो। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। काम ज़रूरी इन द सेंस ये कि कैसा है वो पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है कि नहीं जरूरी है, ढंग का पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। उस पहली बात देखो, जैसे YouTube पे जाओगे ना सबका रिव्यू मिल जाएगा, कौन कैसा टीचर है वो सब बता देते हैं। बट हालांकि कुछ लोग हैं फालतू का गुणगान गाते रहते हैं इधर उधर कि ये उधर है, ये अच्छा है, ये गंदा है। बट आपको अपने दिमाग से सोचना है यार कि हमें अगर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो ये हमें करना है, जो उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, ट्रस्टेड फैकल्टी है या नहीं है, इधर से उधर मूव तो नहीं करता ज़्यादा। नहीं, मूव करने का मतलब सभी करते हैं मूव यार, जिसको पैसे की ज़रूरत होगी सब मूव करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने एक कमिटमेंट दी है बच्चे को कि हमें एक साल तक, हम या दो साल तक नहीं जाएंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप दो साल बाद बता के अच्छे से मूव कर लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। देखो पैसे के लिए दुनिया भाग रही है, मैं हूँ या कोई भी हो, पैसे के लिए सब भाग रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि अगर आपने बच्चे से वादा किया है या बच्चे से आपने कमिटमेंट दी है कि हम एक साल तक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाएंगे, जब तक हमारा गेट का एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक हम पढ़ाएंगे, तो आप उस फैकल्टी से पढ़ सकते हो। उसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया और अपने सब और उसको एक्सपीरियंस भी है, अपने सब्जेक्ट में वो मास्टर भी है, ऐसे फैकल्टी चूज़ करो। कमिटमेंट भी अच्छे दें, आपको अच्छे से पढ़ाएं भी और सारी चीज़ें आपको अच्छे वे में समझाएं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाएं, गेट के निगेटिव एस्पेक्ट समझाएं कि फ़ायदा क्या है गेट का, गेट का डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे फैकल्टी चूज़ करो भाई, ऐसे मत चूज़ करो जो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव फेंके जा रहे हैं, पॉजिटिव सारी पॉजिटिव बातें। भाई निगेटिव बातें हर एक चीज़ में छुपी होती हैं, वो चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो से आपने कुछ भी समझा है तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करो अपने ऊपर। अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, किसी भी कोचिंग के लिए जा रहे हैं, UPSC के लिए जा रहे हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप हमें कॉमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।